आज मैं बना रही हूँ अंडे और बेसन के पकौड़े। अंडे मैं बॉईल कर लूँ तो फिर आपको बताती हूँ। ये अंडे मैं भर के बनाऊँगी मिसाले से, तो उसके लिए मैंने ये धनिया लिया है, अच्छा मुट्ठी भर धनिया लिया है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने पुदीना ले लिया है, 4 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं, और एक मैंने लेमन ले लिया है, 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक ले लिए, 2 हरी मिर्च ले लिए हैं, 1 चम्मच चाट मसाला ले लिया है, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है, और आधा चम्मच ही मैंने नमक ले लिया। इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, 2 चम्मच पानी डाल के, ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 चम्मच पानी डाल के मैं इनको ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सब चीज़ें पीस ली हैं इस तरह, लेकिन मुझे इससे भी ठीक चाहिए, तो इसके लिए मैं ब्रेड क्रम्ब डालूंगी, 1 चम्मच ये मैं डाल रही हूँ, अगर इससे सही हुआ 2 चम्मच डाल देती हूँ, तो मुझे ठीक चाहिए, आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह बन गया है, जितना ठीक मुझे चाहिए था। थोड़ा सा मैं और रखती हूँ, 5 मिनट, तो ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा। ये देख लें, इसको मैंने भरना है अंडों के अंदर। ये बेसन देखो मैंने छान के पहले कप में डाल लिया था, ये छाना हुआ है वैसे। इसमें ये मसाले जाएंगे, ये हरी मिर्च मैंने 2 अदद ली हैं, ये धनिया और पुदीना ये थोड़ा सा लिया है, ये कुछ मेथी ली है, ये चाट मसाले की 1 छोटी चम्मच है, ये बड़ा चम्मच कुछ धनिया कूटा हुआ है, और ये मैंने मिर्चें पहले बहुत तेज़ थी इस वजह से ये मैंने कम डाली है, ये मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, और ये मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। ये मैं सारे मसाले इसमें डालूंगी। इन सब मसालों को मैं इस तरह मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, 1 बार पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये इस तरह मैंने बना ली है, और ये चावल का आटा है, आटा मतलब है कि ग्राइंड किए हुए हैं, ये नहीं कि चावल का आटा है, ये ग्राइंड किए 2 चम्मच में डाल रही हूँ, भर के 2 चम्मच। इसके साथ काफ़ी कुरकुरे होते हैं और मज़ा आता है खाने में, बहुत मज़ेदार होते हैं। ये देखिए ये इस तरह बन गए हैं, लेकिन अभी अगर आप तेज़ खाते हैं मिर्चें, तो आप मिर्चें डाल सकते हो, और नमक और डालना चाहते हो तो नमक डाल सकते हो। ये अंडे मैंने बॉयल कर लिए हैं, और इसको मैं अभी कटिंग करूंगी, इस तरह करके इसे हाफ हाफ कर लूंगी, और इसकी जो जर्दी है वो मैं अलग कर लूंगी। अच्छा, एक से मैंने जर्दी निकाल ली है, और एक भी मैंने जर्दी रहने दी है, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो जर्दी को रहने दें बीच में, और इस तरह करके इसके ऊपर लगा लें, अच्छी सी तह लगा लें इसकी। ये अंडा मैंने इस तरह उठा के इसे रखा, और इस तरह इसके ऊपर लगा लूंगा। फिर इस तरह उठाना है, ये देखिए आयल गर्म हो चुका है, इसे इस तरह रख देना। सारे मैं इस तरह डाल देती हूँ, लेकिन हल्की आंच पे। अभी ये देखिए इस तरह मैं ऑयल डाल रही हूँ उन पे गरम गरम, कि ऊपर से थोड़े से पक जाएं, क्योंकि इसकी साइड चेंज करें तो ये टूटे ना। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, इस तरह साइड चेंज करनी है। फिर चम्मच के साथ इस साइड पे इसका मसाला डालें, ये अंडे की उल्टी साइड है ना, तो इस पे जरूर डालना मसाला, सब पे इसी तरह।
ये बस लाइट ब्राउन करने थे, ये दोनों साइडों से देख लें लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। अंडे और बेसन के पकौड़े तैयार हैं, बहुत मज़ेदार हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए अंदर से भी कितना मज़ेदार है, ये चटनी बगैर खाए जाते हैं, चटनी तो वही थी जो मैंने इसके डाल दी थी। ये देखिए इसमें मैंने जर्दी रहने दी थी और ये सिर्फ मैंने मसाले से भरे थे। Yeah.